कि बाबा वसीयत में सबसे पहले आपने यही क्यों कहा कि ला तुशरिक बिल्लाह, तो हजरत लुकमान ने कहा इन शिर्क ला जुल्म अज़ीम, इसलिए कि शिर्क जुल्म अज़ीम है। लेकिन मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, शिर्क जुल्म अज़ीम है। यहां से ये पता चला कि जिसके पास जरा सा भी शिर्क पाया जाएगा उस तक इमामत का ओहदा नहीं पहुंचेगा, यानी इमाम कोई बुतपरस्त नहीं हो सकता, इमाम वो होगा जो बुशकन होगा, इमाम वो होगा जो बुशकन होगा, जिसकी पेशानी कभी किसी बुत के आगे न झुकी हो वो इमाम होगा। तो पता चला मुशरिक अगर कोई रहा है किसी जमाने तो वो इमाम नहीं हो सकता, वो इमाम नहीं हो, बुशकन इमाम। हजरत इब्राहिम भी बुशकन थे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था, ये और बात है कि छुपा के तोड़ा था, ये और बात है कि छुपा के तोड़ा था। इब्राहिम भी बुशकन है, मौला अली भी मुशकन है, मगर फर्क यह है कि इब्राहिम ने छुपा के तोड़ा, अली ने दिखा के तोड़ा। और वो मुशकनी के सारे मामलात में आप कहते हैं, तो पहली मंजिल यह है कि बुतपरस्त को इमामत नहीं मिलेगी। दूसरी मंजिल, अब कुरान तो मैं क्या कर सकता, कुरान ही ने कहा तो मैं क्या करूंगा। अल्लाह अपने हबीब को मुखातिब करके कह रहा है फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, मेरे हबीब जब हम क़िताल का हुक्म देते, क़िताल यानी मैदान में जाके दुश्मन से लड़ना, जब हम क़िताल का हुक्म देते इनको आपके सहाबियों को, तो अल्लाह कह रहा तवल्लू इल्ला कलीलम मिनहुम, तो कुछ को छोड़ के सब मैदान से भाग जाते हैं, कुछ को छोड़ के हैं, कुछ को छोड़ के सब मैदान से भाग जाते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इन ज़ालिमों को खूब जानता है। पता चला जो बुतपरस्त है उसे भी इमामत नहीं मिलती, और जो मुस्तफा को मैदान से छोड़ के भाग जाए उसे भी इमामत नहीं मिलेगी। सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत सी चीजें अपोजिट यानी जिस से पहचानी जाती, उसकी सिद्ध हो सामने तो वो चीज समझ में आ जाती, किसी को दिन समझ में ना आता अगर रात की तारीकी ना होती, किसी को कड़वा समझ में ना आता अगर मीठा ना होता। तो जिद से चीजें समझ में आती, जुल्म की जिद क्या है, जुल्म की क्या जिद, लफ्ज जुल्म जो है इसका अपोजिट क्या है, इसकी जिद क्या है। लफ्ज़ ज़ुल्म का अपोजिट है अदल, अदालत, यानी इमामत आदिल के पास हो, इमामत उसके पास होगी जिसके पास अदल होगा। और हम तो उस फिक्र उस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं कि जिसमें लुगवी एतबार से हम दो रकत का पेशेमान भी अगर आगे खड़ा करते हैं तो उसे भी आदिल देखते हैं, यानी आपकी समातों को सलाम है हम उसे भी आदिल देखते हैं, यानी हर पसो नाकिस के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अदालत अव्वल शर्त है इमामत के लिए, अदालत शर्त है इमामत के लिए, अदालत शर्त है इमामत के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तहारत शर्त है इबादत के लिए, ऐसे जैसे तहारत शर्त है इबादत के लिए वैसे ही अदालत भी शर्त की। ये पुरानी अफकार है, आई जुमले बोल के जागृत करना
कैबिनेट मेंबर जो है वो इस बात का मुतकाजी है कि कम से कम कुरानी अफकार मजमे के हवाले किए जाए। अदालत शर्त अवलीन है इमामत के लिए, जैसे तहारत शर्त है इबादत के लिए। इमाम का आदिल होना जरूरी है, और जो इमाम मुतलक होता है, इमाम बरहक होता है, वो अल्लाह के अदल का कामिल मजहर होता है। शायद जुमला पहुंचा ले जाओ। इसीलिए जिनके उसूल दीन में इमामत नहीं होती, उनके उसूल दीन में अदल भी नहीं होता। भाई वहां तो मामला में इतना है, तौहीद, नबुव्वत, कयामत। हमारे यहां क्या मामला? तौहीद, आदल, नबुव्वत, इमामत, कयामत। यानी हम उसूल में भी पंजतनी है। अब एक सलवार भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहां इमामत के बाद कयामत है, इसीलिए अल्लाह का अदल भी है। नबुवत और नबुवत के बाद इमामत और इमामत के बाद कयामत, यानी इमामत को कयामत तक जाना है। इमामत को इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हम कयामत के दिन इमाम के साथ बोला। मौला आपको सलामत रखे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कयामत के दिन हम लोगों को इमाम के साथ बुलाएंगे, यानी रोज़े महशर इमामत पर हश्र व नश्र होगा, फैसला होगा। तो हमारे यहाँ इमामत के बाद कयामत है। हाँ, जहाँ इमामत नहीं होती वहाँ नबुव्वत के बाद कयामत ही कयामत होती है। एक सलवा मिले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदालत का होना जरूरी, जो इमाम होगा उसका आदिल होना जरूरी। अभियार ने भी मौलाए कायनात के लिए ये लिखा कि अली की अदालत ऐसी थी कि बड़े बड़े हैरान और शस्तर थे कि क्या ऐसा भी आदिल हो सकता है। इतना आदिल है अली, इतना आदिल है अली। हजारों बार आप खैबर सुना करते, मुझे आपको खैबर नहीं सुनानी, सिर्फ एक दलील कायम करनी कि कितना आदिल बादशाह और शुजा है मेरा मौला। के मरहब जो मौला के मुकाबले में आया तो वो हर चीज दो पहन के आया, हो दो, जरा दो, तलवार दो, नैजा दो, सब कुछ दो दो था। अली की आदिलाना निगाहें देखा कि हर चीज दो है, जुल्फकार चलाई तो मरहब को भी दो कर दी, आधा इधर है और आधा उधर है। तो पता चला कि मैदान में भी जो अदालत से काम ले। अली कहते किसी ने पूछा मौला से, कुफे के मिंबर पे खुतबा दे रहे, एक शख्स खड़ा हो गया, मुझे यानी ये बताइए कि अदालत बेहतर है या सखावत बेहतर है। सवाल की नौशियत आपने नहीं देखी। देखिए, सवाल भी जब होता है तो जवाब इंसान अपने पेशे के मुताबिक देता है। कोई इकोनॉमिस्ट होगा जो शेयर मार्केट वगैरह के मामलात से वाकिफ होगा, उससे आप पूछेंगे क्या चीज बेहतर है, क्या चीज जरूरी है, तो वो क्या कहेगा कि दौलत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका काम ही वही है। दिन भर ट्रांजेक्शन देखना। किसी सीए चार्टर अकाउंटेंट से आप पूछेंगे, वो कहेगा भाई बैलेंस शीट जब भी बनेगी जब आपका दौलत का मामला हो। तो
किसी इकोनॉमिस्ट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से आप पूछेंगे, किसी बैंकर से पूछेंगे, तो वो कहेगा दौलत जरूरी है, उसकी नजर में दौलत डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा सेहत जरूरी है, सेहत जरूरी। यानी जो जैसा होता है उससे जब सवाल किया जाता है तो वो जवाब भी उसी मेयार का देता है। यहां सवाल उससे हो रहा है जो सफी नहीं है, करीम है। तो सफी नहीं है, करीम है। सफी होना और है, करीम होना और है। सफी वो होता है कि जो साहिल को देख के रुसवा भी कर देता है, यानी साहिल को दे रहा है। हालांकि यहां पर रुक के एक बात और कहता चलूं, बात आ गई है तो हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सखावत करते हैं, अगर मुशाहदे में होगा आपको, सखावत तो वो करते हैं मगर कभी कभी फकीर को समझाने भी बैठ जाते हैं। पता नहीं आप देखा है कि नहीं, समझाने बैठते हैं, भाई कुछ काम करो, ये बड़ी जिल्लत है, मेहनत करो, हट्टे कट्टे हो, मांग रहे हो, ये मांगना अच्छा लगता है, दे रहे हैं मगर समझा भी रहे हैं, यानी मशवरा भी फ्री में दे रहे हैं, मशवरा भी फ्री में दे रहे हैं। और समाज में सबसे ज्यादा जो चीज फ्री में मिलती है ना, वो मशवरे ही है। हर इंसान आपको फ्री में मशवरा दे, मगर मदद फ्री में नहीं मिलती। मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, मदद करने वाले सब नहीं होते, क्योंकि मदद करना मुश्किल है, मशवरा देना आसान है। अली नाम है मुश्किल कुशा का, इसलिए हम हर वक्त ये अली मदद कहते हैं कि ये मदद सबके बस की बात नहीं है, मदद सबके बस। तो अली करीम है, तो मासूम से पूछा गया, मौला कोई शख्स मांगने आए और अगर वो मुस्तहक है, इस्तेहकाक रखता, हक रखता, डिजर्व करता, तो उसे दे दिया जाए। मगर बहुत से ऐसे होते हैं जो मुस्तहक नहीं होते, वो अपना पेशा बना लेते, तो मौला उनके लिए क्या, क्या उन्हें भी दिया जाए? मौला ने कहा दिया करो। मौला ने क्या कहा? दिया करो। उसने कहा मौला मुस्तहक को भी दे और जो गैर मुस्तहक है उसे भी दे। कहा दिया करो, इसलिए कि जब तुम मुस्तहक को देते हो तो अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जिसका तुम हक रखते हो, और जब तुम गैर मुस्तहक को देते हो तो अल्लाह तुम्हें वो भी अता करता है जिसका तुम हक नहीं रखते। एक सलावत भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद जो है वो नजरिए बदल देती है, समझ रहे? ऐसे कई बादशाह हमारे मजहब में, हमारे मकतबे फिक्र में। तो पूछने वाले ने पूछा मौला अदालत बेहतर कि सखावत बेहतर? अली करीम है, सखी नहीं है, मगर क्या जुमला मेरा मौला ने कहा कि आज तक कायनात झूम रही है। अब मैं देखूंगा आप सुनते कैसे हैं, सबर अदर की खिताबत नहीं है, इमामत का जुमला है। उसने पूछा मौला अदालत बेहतर कि सखावत बेहतर? मौला ने कहा अदालत बेहतर। नहीं 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 नहीं, अभी भी उधर सन्नाटे में लोग बैठे हुए, बात समझ में आए तो अंदर से बाहर आइएगा। मौला ने कहा, मौला का जुमला, मौला ने कहा सखावत नहीं अदालत बेहतर। उसने कहा मौला अदालत कैसे बेहतर? कहा अगर अदालत हो जाएगी तो सखावत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सैयद तर्मिज़ी ने ये अल्फाज लिखे
मौलाए कायनात के पास आए अपने एक अजीज की तंदरुस्ती के बारे में गुफ्तगु करने के लिए। मौला मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत परेशान है। मौला ने कहा, अम्मा सहन में वो पत्थर है, उस पत्थर को मेरा वास्ता दो। अम्मार गए, पत्थर को मौलाए कायनात का वास्ता दिया, पत्थर पूरा सोने का हो गया। पत्थर पूरा सोने का हो गया। एक मरतबा हजरत अम्मार के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो उसे तोड़ते। कहा, मौला ये बहुत बड़ा है, मौला ये बहुत बड़ा है, कैसे ले जाऊंगा, भारी बहुत है। कहा, इतने साल अम्मार मेरे साथ रहे हो और नहीं जानते, ताऊत जो लोहे को नरम करते थे तो मेरा ही नाम लेके करते थे, वो मेरा ही नाम लेके करते थे, मेरा वास्ता दो इसको, मेरा नाम लो। जैसे ही नाम लिया मौला का, पत्थर टुकड़ों में तकसीम हो गया। जितनी जरूरत थी उतना। अब तारीख में जुमला कैसे आता कि अली का नौकर कैसा होता है, अली का खादिम होता कैसा है, अली का गुलाम होता कैसा। जैसे इमामत का मियार है वैसे ही अली के गुलाम का भी मियार है। जितनी जरूरत थी उतना टुकड़ा उठा लिया। मौला ने कहा, अम्मार सारा ले जाओ, आगे काम आएगा। अम्मार ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला आगे की फिक्र वो करे जिसका आप जैसा इमाम दो। सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम से कहते हैं इमाम, मजमा इमाम हूं जमीन से। आम होने के लिए अल्लाह का इंतखाब जरूरी है। इमाम अल्लाह के अदल का मजहर होता है। और यह खाली हम शियों की बात नहीं कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं तो ऐसी बातें करते हैं। एक किताब बहुत मशहूर हुई, उलमा में मशहूर हुई, हालांकि उसका लिखने वाला एक अंग्रेज था। उसने मौलाए कायनात की 4 साल की सिर्फ हुकूमत देखी और उस हुकूमत को देखकर अंग्रेजी में एक किताब लिखी, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। इसका तर्जुमा अरबी में भी हुआ और ईरान में फारसी में भी हुआ और नाम रखा गया सौतुल अदालत इंसानिया, यानी इंसानियत की कायनात में अदालत की आवाज। इंसानियत की अदालत की आवाज, सौतुल अदालत इंसानियत। लिखने वाला कौन था? जॉर्ज जुर्दा। जॉर्ज जुर्दा ऐसे मामले पढ़ जाऊं तो न जाने कितनी मजलिस हो जाएगी। अंग्रेज मोर्रफिन ने जो खराज अकीदत एडवर्ड दिबन बर्नार्ड शाह और जॉर्ज जुर्दा और बहुत से अंग्रेज ऑथर्स ने जो हमारे अइमा को खराज मुहद्दत पेश किया, खराज अकीदत पेश किया, तो उसने मौलाए कायनात का 13 रजब से वाकया नहीं लिखा। उसने सिर्फ 4 साल की हुकूमत, सिर्फ मौला की 4 साल की हुकूमत, उसने 4 साल की हुकूमत देखी और देखने के बाद एक जुमला कहा। उसने कहा, मैं इंसानियत की अदालत में अली की जात को सामने रखता हूं और सवाल करता हूं कि इस जमाने तेरा क्या बिगड़ जाता अगर तू हर दौर में एक अली अदा कर। मोहम्मद वाले मोहम्मद जमाने तेरा क्या बिगड़ जाता अगर तू हर दौर में एक अली अता कर देता कि जो अपनी हुकूमत के 4 साल के पीरियड में, आज तो हुकूमतें होती है वादे होते हैं और जब वो वादे ही रह जाते हैं, हुकूमत बदल भी जाती है। यहाँ 4 साल का पीरियड है, 3.5-4
कहता है कि अपनी हुकूमत के आखिरी लम्हात में अली मिंबरे कूफा पर जाके कह रहे कि एक इंसान की तीन बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा मकान, तुम में से एक भी ऐसा है जो ये खड़ा होकर कह सकता है कि अली ने उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया। अल्लाह अली ने उसकी कायनात तलाश कर रही है अली जैसा है वहां। हमारे और इमाम को वो हुकूमत का मौका नहीं है, ये हुकूमत का मौका दुनियावी एतबार से, क्योंकि इमाम कायनात का मालिक होता है, दुनियावी एतबार से 4 साल मौला के पास, तो उसने उस हुकूमत को देखा। आपको पता इसी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बात कि उसने एक सवाल किया था कि गुड गवर्नेंस के मजामीन डिस्कस नहीं होते, हम इनको इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह में पहुंचते हैं, बात आ गई तो सुन लीजिए। गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और मिसाल क्या है? गुड गवर्नेंस यानी बेहतरीन हुकूमत, जिस हुकूमत का कोई भी नमूना नजर नहीं आता, बेहतरीन हुकूमत, उसकी मिसाल क्या है, एग्जाम्पल क्या है? हिंदू है, अपने देवताओं से बड़ी अकीदत रखता है, उसके बावजूद भी उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता, तो उसने मुसलमानों में बैठ करके बात की। तो वहां एक शिया आलिम थे, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सवाल किया है गुड गवर्नेंस का, तो मैं उनको गुड गवर्नेंस और बेहतरीन हुकूमत का एक एग्जाम्पल दूंगा, और वो है नहजुल बलागा में वो खत जो मौला ने मालिक अश्तर को लिखा। मालिक अश्तर गवर्नर बनाया उसका, तो कहा कि तुम्हारे भाई हैं सारे इंसान, उनको इंसानियत की निगाह से देखो, जो मुसलमान हैं वो भी तुम्हारे भाई हैं, उनको अपने दीन और मजहब की निगाह से देखो, किसी के साथ ना इंसाफी ना होने पाए। ये वो खत था मौलाए कायनात का जिसे लेकर राजीव गांधी अपने सिरहाने रखता था और रोज पढ़ता था उसे। बहुत बड़ा खत है, छोटा मोटा खत नहीं, उसमें हुकूमत कैसी होनी चाहिए सारी चीजें मौजूद है। यही वजह है कि नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद गिब्स जैसे मुअर्रिख ने यह कहा कि जब मैंने नहजुल बलागा को पूरा पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नहजुल बलागा वो किताब है जो कुरान का मुकम्मल आईना है। और फिर वो कहता है समझ में नहीं आता कि ये दो शख्सियतों के कलाम है या एक ही शख्सियत की दो किताबें। हयात के मारे हुए कहां जाए, हादसात के मारे हुए कहां जाए, अंधेरी रात के मारे हुए कहां जाए, खुद अपनी जात के मारे हुए कहां जाए। भयपन गौसो भयपन मुनमो वसो अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली के दरवाजा। अली के दरवाजे से चश्मे हयात जारी होता है, और अली के साथ अली के बेटे वही खानदान, वे नस्ले इब्राहिमी है, ये खानदान अबू तालिब है, फैला तो कौसर की तफसीर बन गया, इन्ना आतैना कल कौसर, आज अबू तालिब की औलाद कहाँ कहाँ है कोई क्या जाने, ये अबू तालिब ही की तो औलाद है, क्या सारा जमाना यहाँ आ रहा है, अरे जो गायब है वो भी आ रहा है, कोई अबू सुफियान की औलाद के पास नहीं जाता।
جو آتا ہے ابو طالب کی اولاد کے پاس آتا ہے، کیونکہ جس نے رسالت کو پناہ دی ہے وہی کائنات کو بھی پناہ دے گا۔ ابو طالب کیا سب ہجری کو پناہ مانگ رہا تھا تو کوئی کہاں آگے بڑھے گا، مگر وہ جو کفیل رسالت کے بیٹے وہ کیسے اس چیز کو برداشت کریں گے؟ لہذا میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کربلا کو بسا رہے ہیں۔ عزیزارو، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کربلا ایک الہی منصوبے کا نام ہے، عالم ازل سے یہ معاملہ طے ہے۔ عالم ازل مصائب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مصائب تھوڑا سا لفظوں کی تبدیلی ہوگی، مفہوم وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انوار الخمسہ وغیرہ۔ میں نے کیا کہا؟ عالم ازل سے بات ہے، معذر کا بات۔ جب ابھی انسان خلق نہیں ہوئی، ابھی صرف ارواح انبیاء انوار معصومین اور یوم الست جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ایک نور کا ممبر، اس نور کے ممبر پر ایک چمکتا ہوا تاج، آواز قدرت آئی، تم سب میری حجت ہو، تمہارے ذریعے سے ہم جو آگے مخلوق آئے گی اس کی ہدایت کا انتظام کریں گے، مگر جب قیامت ہوگی تو بات بخشش کی آئے گی، تم سب اس وقت اس ممبر کو دیکھو اور اس پر اس تاج کو دیکھو۔ سب نے اس تاج کو دیکھا، سوال کیا، تمام انبیاء کی روحوں نے، مگر یہ تاج کیسا ہے؟ آواز آئی، یہ تاج تاج شفاعت، یہ شفاعت کا تاج، قیامت کے دن یہ جس کے سر پہ ہوگا اس کو شفاعت کا حق ہوگا، وہ جس کے لیے بھی شفاعت کرائے گا بے حساب وہ شخص جنت میں جائے گا، مگر اس تاج شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرطیں، تم میں سے جسے بھی اس تاج شفاعت کو اپنے سر پر رکھنا ہے وہ پہلے یہ شرطیں دیکھ لے جو لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ممبر پر رکھی ہیں، شرطیں دیکھو، شرطوں کو پورا کر دو، تاج شفاعت اپنے سر پر رکھ لو۔ حضرت آدم کی روح آگے بڑھی، اٹھائیں گے ایک ورق الٹا، ہاتھ کاپے بند کیا، واپس ہو گئے۔ حضرت نوح آگے آئے، دو تین ورق الٹے، واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم کی روح آئی، بہت سے اوراق انہوں نے الٹ لیے، ہر ایک منزل پہ آ کے ان کے بھی روح کا رکھا، واپس آ گئے۔ ہر نبی آگے بڑھتا رہا، شرطیں پڑھتا رہا، واپس آتا رہا۔ سب سے زیادہ دیر تک ان انبیاء کی ارواح میں جو رکا وہ حضرت یونس رکے، حضرت ایوب رکے۔ حضرت ایوب نے کافی دیر تک کافی ورق الٹ، مگر ایک منزل وہ آئی کہ حضرت یونس کی بھی روح تھرتھرانے لگی، اور انہوں نے کہا مالک یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور حضرت ایوب نے بھی اسے بند کیا اور بند کر کے واپس آ گئے۔
رسول خدا آگے بڑھ رہے تھے. آواز قدرت آئی, میرے حبیب یہ جتنے انبیاء تھے یہ آئے, انہوں نے دیکھا مگر یہ ان شرطوں کو پورا نہیں کر سکتے. اب ہماری مشیت بدلے گی, اب یہ امتحان تو ہوگا مگر تمہارے زمانے میں نہیں ہوگا, کیونکہ تمہاری ذات پر ہم کو دین کو مکمل کرنا ہے. ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ رسول خدا کے پہلو سے امام حسین کا نور آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد امام حسین نے, بس آپ روئیں گے اگر آپ نے محسوس کر لیا, مسائل صرف احساس کرنا, امام حسین نے شرطوں کو نہیں پڑھا, تاج شفاعت اٹھایا اور اٹھا کر رسول خدا کے سر پر رکھا اور کہا ناما چشم بدور, کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کے سر پر یہ تاج شفا, ایسا لگتا ہے یہ تاج شفاعت بنا ہی آپ کے لیے تھا. آواز قدرت آئی, حسین شرطیں نہیں پڑھو گے؟ کہا مالک اب تاج شفاعت میرے نانا کے سر پہ ہے, جب شرطوں کو میری موہر لگوانی ہوگی تو جبریل کو بھیج دینا, میں بغیر کسی اعتراض کے شرطوں پہ دستخط کر دوں گا, اپنی موہر بھی لگا دوں گا. ان شرطوں کو محضر نامہ کہا جاتا ہے. لیجئے, دنیا میں ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا, رسول خدا کا دور آیا, ادھر امام حسن بھی دنیا میں آ چکے ہیں, امام حسین بھی دنیا میں آ چکے ہیں. رسول خدا مسجد میں تبلیغ کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, جب واعظ سے فارغ ہوئے تو در سکینہ کی طرف چلے, تو دو شہزادے رسول اللہ کے ساتھ ہیں, مولا علی بھی ساتھ میں ہیں. ابھی سیدہ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے, رسول اللہ داخل ہو گئے, مولا علی داخل ہو گئے, امام حسن داخل ہو گئے. امام حسین نے ایک پیر رکھا کہ کسی نے حسین کے دوسرے پیر پر اپنے ہاتھ رکھ دیے, اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو جبریل آئے ہوئے ہیں اور جبریل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول غلام آیا ہے. بات کیا ہے جبریل؟ کہ اللہ نے محضر نامہ بھیجا ہے, محضر نامے پہ دستخط کرنا ہے. کہا اچھا جبریل, ایسا کرو ذرا میرے ساتھ چلو. جبریل کو لے کے چلے, ایک گوشے تنہائی میں آئے, آنے کے بعد کہا لاؤ جبریل محضر نامہ لاؤ. اب جو محضر نامہ آیا, حسین نے پہلا ورق الٹا, لکھا ہوا تھا حسین وطن چھوڑنا ہوگا, حسین نے دستخط کر دیے. دوسرا ورق الٹا, حسین نانا کے روزے سے رخصت ہونا ہوگا, حسین نے دستخط کر دیے. تیسرا ورق الٹا, حسین حج کو عمرے میں بدلنا ہوگا, حسین نے دستخط کر دیے. چوتھا ورق الٹا, حسین کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی, حسین نے مہر لگا دی. ایک مردہ کا حسین ہم سارو حساب شہید ہوں گے, حسین قاسم کے پامال لاشوں کے ٹکڑے اٹھانے ہوں گے, حسین نے مہر لگا دی. حسین اکبر کے سینے سے پرچی کی یعنی کھینچنی ہوگی, حسین نے دستخط کر دیے. حسین عباس کے بازو اٹھانے ہوں گے, حسین نے دستخط کر دیے. حسین 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ 3 پھلوں کا تیر لگتے ہوئے دیکھنا ہوگا, حسین نے دستخط کر دیے. کہ حسین تو حسین کہیں نظر نہیں آتا. رسول خدا
मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने के लिए चले। बेटा हुसैन कहा, मेरे लाल हुसैन कहा, मदीने के बाहर एक दीवार के पास हुसैन बैठे हुए जारो कतार रो रहे थे। हुसैन का रोना बंद नहीं हो रहा था। रसूल खुदा ने गोद में उठा लिया, मेरे लाल मेरे शहजादे क्या हुआ? हुसैन रोते जा रहे, एक मर्दा घर तक रोते रोते आ गए। क्या मेरे लाल बताओ बात क्या है? तुम्हारी माँ की हालत गायब हो रही है। हुसैन ने रोते रोते कहा, नाना वो जो महजर नामा था, हाँ बेटा हम जानते हैं क्या हुआ। नाना उसकी शर्तें थी, हाँ मेरे लाल हमें पता है, तुमको उस शर्तों पर दस्तखत नहीं करना है, कोई बात नहीं, ताजे शफात तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। क्या नहीं नाना, मैंने उस पर दस्तखत कर दिए। तो क्या मेरे लाल पर रो क्यों रहे हो? क्या नाना इसलिए कि महजर नामे की सारी शर्तें मुझसे मुतालिक थी, मगर एक शर्त मुझसे मुतालिक नहीं थी। क्या मेरे लाल तो वो किससे मुतालिक थी? हुसैन ने शहजादी ज़ैनब की तरफ इशारा कर दिया, ए नाना ज़ैनब से पूछे ماتم ہے دوست